तो आप सभी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि आशीष भाई आप रिलायंस कैशियर जॉब के बारे में बताएं, रिलायंस का कैशियर जॉब कैसा होता है। तो आज मैं आपको रिलायंस के कैशियर जॉब के बारे में बताने वाला हूं, रिलायंस के जितने भी अधिकतर फॉर्मेट जो है उसमें कैशियर जॉब कैसे करते हैं, क्या सैलरी होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें। दोस्तों सबसे पहले मैं रिलायंस के बारे में बता दूं, रिलायंस जो है मुकेश अंबानी जी की कंपनी है और ये काफी अच्छा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये अपने इंप्लॉय के लिए भी काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स लाती है और काफी ज्यादा अपने इंप्लॉय को सुविधा प्रदान करती है। अब मैं बात करता हूं रिलायंस कैशियर के, तो सबसे पहले रिलायंस कैशियर में आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, 12th पास होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई भी डिग्री नहीं, नॉर्मल आपको कंप्यूटर आना चाहिए, लेकिन आपको स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, जो कि आज के टाइम में हर एक लोगों को पता होगा यार स्मार्टफोन चलाने, क्योंकि स्मार्टफोन से ही अब सारा काम होता है। अगर आप कहीं भी आप रिलायंस में जॉब करते हो तो आपके पास स्मार्टफोन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पर जो अटेंडेंस लगता है यानी कि जो हाजिरी लगती है ना, वो स्मार्टफोन से ही लगाई जाती है। दोस्तों यहां पे मैंने बात कर लिया एलिजिबिलिटी के बारे में, यहां पे आपको 12th पास होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर की डिग्री नहीं चाहिए, यहां पे आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं अगली वीडियोस में जरूर डाल दूंगा। अब यहां पे कैशियर की सैलरी के बारे में सबसे पहले मैं बात कर लूँ, आप लोग भी एकदम यार सोच रहे होंगे, देखो कैशियर की जो इन हैंड सैलरी होती है ना वो 10 से 12 हजार होती है, लेकिन इंसेंटिव वो काफी अच्छा खासा कमाते हैं प्रोडक्ट को सेल करके, जिससे कि वो मंथली में करीब 15 से 17 हजार रुपए कमा सकते हैं और हर मंथ जो है रिलायंस में 10% से 12% का इंक्रीजमेंट मिलता है जो कि अप्रेजल में होता है, तो आप अच्छे खासे जो है वो काम कर सकते हो और सैलरी कमा सकते हो। उसके बाद कैशियर के मैं वीक ऑफ पे आता हूं, तो वीक में 4 यानी कि 4 छुट्टी दी जाती है और साल में करीब 22 छुट्टी और दिया जाता है, जिससे कि अगर आपको इन फ्यूचर अगर मान लो कोई काम पड़ गया, कोई अर्जेंटली काम पड़ गया, तो आप एक सप्ताह पहले अपने मैनेजर को या फिर टीम लीडर को आप बता के छुट्टी पे जा सकते हो। रिलायंस में कैशियर का जो प्रमोशन होता है वो पहले आप कैशियर के पोस्ट पे रहोगे, कैशियर के बाद आपको कमर्शियल बनाया जाएगा, कमर्शियल के बाद आपको हेड कमर्शियल आपको बनाया जाएगा, तो ये 3-4 पोस्ट होते हैं। उसके बाद आपको मैनेजर भी बनाया जाएगा, एडीएम, डीएम, एएसएम, एसएम, ऐसे करके सारी चीजें वहां पे चलती रहती है। उसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट कैशियर के काम के बारे में बात कर रहा हूं। अब हम आते हैं कैशियर का जो वर्क होता है रिलायंस में वो क्या होता है। देखो कैशियर का जो वर्क होता है बहुत सारे रिलायंस स्टोर में मोबाइल से ही होता है, यानी कि स्मार्टफोन से सारी बिलिंग्स होती हैं। यहाँ पे वहां पे जो है लाइफ यानी कि रिलायंस का अपना मोबाइल होता है, रिलायंस का अपना एम्पोस सॉफ्टवेयर होता है, वहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपका प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपका यूजर आईडी होता है और पासवर्ड होता है वो प्रोवाइड करके आपको लॉग इन करना होता है। लॉग इन करने के बाद आपको पूरा इंटरफेस वहां पे खुल जाता है। इसके लिए अगर आप कोई भी फॉर्मेट में जाते हो कैशियर के लिए ना, तो आपको सबसे पहले वहां पे 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिकली रिलायंस में आप 1 से 2 दिन में ही पूरा कैशियरिंग का पूरा फंडा जो है वहां पे सीख जाओगे। उसके बाद आप पूरा लॉग इन कर लोगे ना, तो उसके सामने आपके पास इंटरफेस आएगा। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का बिलिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको बस नॉर्मली बारकोड स्कैन करना, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर का नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, एड्रेस भरना, डिलीवरी एड्रेस हो गया या फिर जो भी चीजें हैं जो भी वहां पे मांगे, नॉर्मल यहाँ वहां पे सारी चीजें लिख रही थी कि यहाँ पे नाम भरना है, यहाँ पे उसी के नीचे आपको सारा चीज भर देना, ज्यादा कुछ करने का नहीं है। उसके बाद पेमेंट के टाइम में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, वहां पे सारा ऑप्शन रहेगा, कस्टमर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर वाउचर से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कैश से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर मोबीक्विक से या फिर फोन पे से, वहां पे सारी चीजें जो है साइड में लिखी हुई रहती है, सारा मोबाइल में लिखा रहता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस कस्टमर से पूछना है कि सर आप कैसे पेमेंट करना चाहोगे, कार्ड, कैश, यूपीआई, जो भी है मेरे को बता दीजिए। उसके बाद दोस्तों कस्टमर जो ऑप्शन आपको बताया नॉर्मली उस पर बिलिंग कर देना है और बिलिंग करके बिल जो है वहां पे तुरंत निकल जाएगा। बेसिकली जो मोबाइल होता है वहां पे एक छोटा सा प्रिंटर होता है, उससे कनेक्ट होता है और बिल जो उसी से निकलता है, और बिल पे आपको मोहर मारना है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिख देनी है या फिर अपना साइन भी कर देना है, और उसके बाद जो बिल है वो एकदम तैयार हो गया। बेसिकली अगर मैं बिग बाजार के कैशियर की बात करूं और रिलायंस के कैशियर की बात करूं, तो रिलायंस के कैशियर में थोड़ा सा कम भार है वहां पे। हाँ, रिलायंस में आपको कैशियर में आपको चेयर नहीं दिया जाता, आपको खड़ा रहना है, घूमना फिरना है, लेकिन आपको जो है ऑलरेडी आदत हो जाएगा क्योंकि वहां पे कोई नहीं बैठता है और सब काम ही करते रहते हैं। तो बेसिकली रिलायंस के कैशियर का काम मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया। अगर कुछ भी और क्वेरी हो ना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और कैशियर के इंटरव्यू के बारे में, रिलायंस के कैशियर के इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती है ना, वो भी मैं अगली वीडियोस में जरूर से जरूर बताऊंगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।